गाइस आज बात करने वाले हैं कि बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप क्लर्क में कार्यरत हैं तो आपको इनहैंड सैलरी क्या मिलेगा, और मैं उसमें ये भी दिखाऊंगा कि क्या क्या आपका डिडक्शन होता है और डिडक्शन के बाद आपके पास क्या बचता है। मतलब अगर आप बैंक ऑफ इंडिया में 3-4 साल से कार्यरत हैं, आपको अगर 3-4 साल हो गया है तो आपके पास क्या सैलरी आ रहा होगा, ये मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। हालांकि देखो, बहुत तरीके का सैलरी मिलता है, बहुत कुछ डिडक्शन होता है जब आप स्पेंड कर देते हैं टाइम, तो कुछ आपके पास फैसिलिटीज़ होता है जो कि आप उसको इनकैश करते हैं तो वो भी डिडक्शन होता है आपके सैलरी में। इसीलिए मैं ये दिखा रहा हूँ कि 3-4 साल अगर कोई भी बैंक ऑफ इंडिया में काम कर लेता है एज ए क्लर्क तो उसके पास क्या सैलरी आएगा, ठीक है। और क्लर्क लेवल पे अगर आप किसी भी बैंक में ज्वाइन करते हो तो वेरियस चीज होता है, आप बहुत सारे इंटरनल एग्जाम्स दे सकते हो और अपने आप को ग्रो कर सकते हो एज सून एज पॉसिबल, बट ये डिपेंड करता है आपके कैपेबिलिटी पे। लेकिन फिर भी जो मैं दिखा रहा हूँ वीडियो में कि एक्चुअली आज के टाइम पे आप अगर एज ए क्लर्क 3-4 साल स्पेंड कर दिए हो, वो भी बैंक ऑफ इंडिया में, या फिर देखो लगभग सारे ही बैंकों में, पब्लिक सेक्टर बैंकों में एक जैसा ही होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो आपको इन हैंड सैलरी क्या मिलेगा। चलो मैं डायरेक्टली ले चलता हूँ इसके बेसिक पे पे। और जब से 12th bipartite सेटलमेंट हो गया है तो उसके बाद एक्चुअली देखा जाए तो आपका सैलरी स्ट्रक्चर क्या हो रहा है। जो बेसिक पे है वो उसको लगभग 33,020 रुपये के आसपास मिलता है बेसिक पे में, जो कि लगभग 3-4 साल कार्य कर चुका है। और हाउस रेंट अलाउंस जो है वो 3,556 रुपये का मिल रहा है, वहीं डियरनेस अलाउंस जो है वो 5,458 रुपये का मिल रहा है, और अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको मिल रहा है तो वो करीबन 850 रुपये का आपको मिल रहा है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। और स्पेशल पे फॉर द अवार्ड स्टाफ 1,680 रुपये का मिल रहा है। ये एक्चुअली मैंने किसी पर्टिकुलर का सैलरी स्लिप डिस्क्राइब कर रहा हूँ, इसलिए मैं बोला भी कि बहुत वेरियस थिंग्स होता है जिसके ऊपर की इंडिविजुअल सैलरी कैलकुलेट होता है। स्पेशल अलाउंस की अगर बात करोगे तो 8,750 रुपये का मिलता है, और अगर उसके ऊपर डीए कैलकुलेट कर लिया जाए तो लगभग 1,376 रुपये का डीए मिल रहा है। और कुल अगर आप देखो तो डीए ऑन ट्रांसपोर्ट अलाउंस अगर मिल जाए तो 133 रुपये के आसपास मिला है, और टोटल जो सैलरी है वो है 54,825 रुपये का सैलरी। अब इसमें पर्टिकुलर का कुछ डिडक्शन होता होगा डेफिनेटली, और वो क्या क्या डिडक्शन है ये नेक्स्ट स्लाइड में देखो। फेस्टिवल एडवांस के तौर पे डिडक्शन जो हुआ है वो 4,100 रुपये का हुआ है, प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन हुआ है वो 200 रुपये का हुआ है, टर्म क्लीन ओडी है वो 997 रुपये का हुआ है, बैंक ऑफ इंडिया एसोसिएशन के तौर पे जो कटा है वो 70 रुपये का कटा है, डीसीपीएस के तौर पे 4,015 रुपये का कटा है, डीसीपीएस बैंक कंट्रीब्यूशन में 5,622 रुपये कटा है, और बैंक ऑफ इंडिया स्टार सुविधा एक नाम है इस पे आपको 8,496 रुपये कटा है। मतलब कुल अगर देखो तो 23,000 रुपये डिडक्शन हो जाता है। तो हाथ में आपका कितना बचता है, हाथ में करीबन आपका 35-36,000 रुपये बचेगा। अगर यहाँ पर आप कुछ फैसिलिटी अवेल करते हो बैंक से तो उसमें अलग से डिडक्शन होता है। इसलिए ऑलमोस्ट ये मान के चलो कि आज 3-4 साल जिनको हो गया है बैंक में, उनके पास जो सैलरी आ रहा होगा एज ए क्लर्क वो लगभग 35,000-36,000 रुपये आ रहा होगा, ठीक है। ये अंडर 12th bipartite सेटलमेंट मैंने आप लोगों को दिखाया कि सैलरी स्ट्रक्चर क्या है अंडर बैंक ऑफ इंडिया एज ए क्लर्क व्हेन यू सर्व्ड इन द बैंक पर्टिकुलर फॉर दी 3-4 ईयर, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को जो दिखाऊंगा वो LIC का सैलरी दिखाऊंगा, राइट। अगर मेरा ये वर्ड्स आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो इसे शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स तक, राइट। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।